Assalamualaikum, बख़ैर अनीता स्टोर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट PCOS, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ PCOS एंड हाउ टू रिवर्स PCOS। PCOS इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब आप सबको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाए, बहुत बोरिंग हो जाए। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा इजी करके आप सबको समझा सकूं कि PCOS होता क्या है। मतलब कि जब औरतों के हार्मोन्स, मतलब कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर नीचे हो जाते हैं और अपने वक्त पे नहीं होते, तो उसकी वजह से जो डोमिनेंट एग होता है वो रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी ओवरीज में वाटर सिस्ट की सूरत में वो बन जाता है। जब वो वाटर सिस्ट बन जाती है तो क्या होता है, आपकी इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, रैपिड वेट गेन होता है, एक्सेसिव फेशियल हेयर या ऐसे पार्ट्स पे बालों का निकलना जहाँ पे फीमेल के हेयर बहुत लेस होते हैं ना के बराबर, प्राइवेट पार्ट्स आपके डार्क होना शुरू हो जाते हैं, आपकी नेक का एरिया ब्लैक होना शुरू हो जाता है, वेलवेटी स्किन बन जाती है, स्किन टैग्स आना शुरू हो जाते हैं, फेस पे आपकी एक्नी आना शुरू हो जाती है, बाल फ्रंट से थिन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से औरतें इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती हैं। हमारी नानी दादियों के ज़माने में, इवन तो हमारे पेरेंट्स के ज़माने में भी ये कॉमन नहीं था, लेकिन अब इस तरह की अनहेल्दी खुराक आ गई है, इतनी अनहेल्दी रूटीन हो गई है बच्चों की कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया। मैं आप सबको डराना नहीं चाहती, लेकिन मैं आप सबको ये कहूँगी कि PCOS को लाइटली ना लें। बेशक ये कॉमन है, लेकिन आप इसको लाइटली ना लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो मेरी तरह बहुत परेशान होंगे, जब मुझे पता चला था मुझे PCOS है, तो अल्लाह माफ़ करे, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और हर डॉक्टर मुझे यही कह रहा था कि ये आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप मेडिकेशन पे रहोगे एंड ऑल दैट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज्ड टू रिवर्स इट। तो वही टिप्स मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। PCOS इज नॉट अ लाइफ सेंटेंस, इट कैन बी रिवर्स्ड बाई चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। जब मुझे डॉक्टर्स ने ये सब कहना शुरू कर दिया था, तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि नहीं लाइबा, ये PCOS कुछ भी नहीं है, तुम हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करो, तुम अपनी वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, तो इंशाल्लाह तुम्हारे सारे हार्मोनल इश्यूज हल हो जाएंगे। एंड शी वॉज एब्सोल्युटली राइट। कभी कभी इंसान खुद से रिसर्च करके अपने लिए इतनी आसानियाँ कर देता है कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। तो मैं बैठी थी रिसर्च करने गूगल पे। जैसे बता दूँ, मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैंने सब कुछ जो कुछ किया है अपने एक्सपीरियंस पे किया और अपने डॉक्टर्स के हेल्प से किया है। तो मैंने एक रिसर्च की थी जहाँ पे 11 औरतों को PCOS था और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रख के फॉर 6 मंथ्स उन लोगों ने उनका कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम कर दिया था, प्रोटीन इनटेक हाई कर दिया था, जिससे 6 मंथ के अंदर अंदर उनका PCOS रिवर्स हो गया था। उनमें से 2 खवातीन थी जिनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम थी और वो काफ़ी ट्राई कर रही थी, लेकिन इस डाइट प्लान को फॉलो करके उन्होंने अपना इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया था एंड दे वर प्रेग्नेंट आफ्टर दिस डाइट प्लान। वुमेन फ्रॉम ऑल एजेस कैन सफर फ्रॉम PCOS। अगर आप सस्पेक्ट करें कि आपको PCOS हो सकता है लेकिन फॉर्मली डायग्नोज नहीं हुआ, तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा आपको PCOS है या नहीं। Irregular menstrual cycle, heavy period, acne, skin tags, skin का काला होना, front की hairline पे baldness आना, excess growth of hair on the face and stomach specifically, and extremely difficulty losing weight. मतलब कि जितना lose करते हो उससे ज़्यादा gain हो जाता है। कुछ लोगों को PCOS में मेरी तरह ये सारे सिम्टम्स होंगे, कुछ लोगों को इनमें से कुछ चंद सिम्टम्स होंगे। और PCOS से सिर्फ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स नहीं होती और बहुत सी फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि रात को नींद ना आना, वेट गेन, डिप्रेशन एंड इवन कैंसर, स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियल कैंसर। और जो लोग PCOS होने के बावजूद प्रेगनेंट हो जाते हैं उनके हायर रिस्क होते हैं मिसकैरेजेस के और प्रीमैच्योर बेबी बर्थ के। अब PCOS होने के क्या रीजंस हैं? जैसे कि मुझे कहा गया था कि PCOS के आप सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज कर सकती हो एंड यू आर स्टक विद इट फॉर द लाइफ टाइम,
जिसकी वजह से आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि मुझे की गई थी ग्लूकोफेज और रायमोना जैसी मेडिकेशंस, जो कि मेटफॉर्मिन की एक फॉर्म है, और इन मेडिसिन से वाकई सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं लेकिन रूट कॉज नहीं पता चलता और हम पीसीओएस को रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन कोई वजह तो होगी जो इतनी ज्यादा खवातीन पीसीओएस से सफर कर रही हैं, एंड दैट रूट कॉज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। Insulin is an hormone which is responsible to lower blood sugar in our body and store glucose in our body. जब भी हम खाना खाते हैं हमारा ब्लड शुगर राइज कर जाता है, जिसके रिजल्ट एज अ रिजल्ट पैंक्रियास पंप्स आउट द इंसुलिन। इंसुलिन रेजिस्टेंस कब अकर करता है? When insulin levels are elevated for a long period of time, our body stop responding to insulin as it should. They stop accepting insulin. This leads us with elevated levels. क्योंकि high insulin causes the symptoms of PCOS. Insulin resistance is a type 2 diabetes जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैंने आपको बता दिया कि PCOS क्या होता है, उसके symptoms क्या होते हैं और ये किस वजह से खवातीन को होता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको रिवर्स कैसे करते हैं। मैंने जब वेट लूज करना स्टार्ट किया था तो मैं अपनी मेडिकेशन पे थी ग्लूकोफेज एंड रायमोना। इसके अलावा मुझे ये प्रिस्क्राइब किया गया था कि मैं एटलीस्ट दिन में 30 मिनट्स या 1 आवर वॉक करूं, और फिर उसके साथ मुझे ये प्रिस्क्राइब भी किया गया था कि मैं एक्सट्रीमली लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट पे आ जाऊं। जो मेरा 6 मंथ डाइट प्लान था, जो कि मैंने 6 मंथ फॉलो किया, वो डाइट प्लान मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ। ये मेरी वेट लॉस जर्नी का पार्ट 1 है, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज ऑफ पीसीओएस, तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखना है अपने पीसीओएस को रिवर्स करने के लिए। द की टू रिवर्स पीसीओएस इज लोअर योर इंसुलिन लेवल्स एज मच एज यू कैन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि हम अपनी इंसुलिन लेवल को कैसे लोअर रखेंगे। स्टेप नंबर 1, रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। कार्बोहाइड्रेटेड डाइट वैसे भी बहुत पॉपुलर हो गई है आजकल, स्पेशली वेट लॉस के लिए, लेकिन ऑल्सो फॉर पीसीओएस। द फैक्ट इज जितना लो कार्बोहाइड्रेट लोगे उतना इंसुलिन लेवल्स आपके लो होंगे और उससे आपका पीसीओएस रिवर्स होगा। मैं बहुत ही ज्यादा मेडिकल टर्म्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि ना वो आपको समझ आएंगी, वो आपके सरों से गुजरेंगी, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट। बस सिंपली इतना कहूंगी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम से कम कर लें अपने पीसीओएस को रिवर्स करने के लिए। जस्ट 6 मंथ की ख्वारी है, कर लें और फिर मुझे दुआएं दें। स्टेप नंबर 2 इज टू ईट योर कार्ब इन द एंड। लास्ट में खाओगे कार्ब। अगर आप मेरी तरह हो, कार्ब कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकते, रोटी छोटी कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकते, तो आपने रोटी सबसे आखिर में खानी है। मतलब कि आपकी प्लेट है, उसके अंदर आपका प्रोटीन पड़ा हुआ है, आपकी वेजीज पड़ी हुई है, आपकी रोटी पड़ी हुई या राइस पड़ी है, तो आप सबसे पहले खाओगे वेजिटेबल, फिर उसके बाद आप खाओगे अपना प्रोटीन, और फिर लास्ट में आप लोगे कार्ब। ये बहुत जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी है और ये बहुत अमेजिंगली वर्क करती है। जब मैं डाइट पे होती हूँ, मैं सबसे पहले अपनी सैलेड खाती हूँ, फिर उसके बाद अपना प्रोटीन खाती हूँ, उसके बाद आखिर में मैं कार्ब खाती हूँ, क्योंकि जब मैं कार्ब तक आती हूँ मैं फुल फील करती हूँ, तो मुझे ज्यादा कार्ब खाने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3 स्टेप क्या है? टू बिल्ड मसल। मतलब कि आप लोग लाइटली वेट लिफ्टिंग शुरू कर दो। ये 2 रीजंस के लिए बेनिफिशियल है। नंबर 1, व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग योर मसल सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज विदाउट इंसुलिन। नंबर 2 रीजन इज मोर मसल मास मींस योर बॉडी कैन स्टोर मोर ग्लूकोज। ये इसलिए क्योंकि हमारे मसल में सबसे ज्यादा ग्लूकोज स्टोर होता है। मतलब कि जितनी ज्यादा वेट लिफ्ट करोगे, मसल बनाओगे, उतनी ज्यादा हमारी बॉडी को स्पेस मिलेगी ग्लूकोज को स्टोर करने की। और इसी तरह आप पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। पीसीओएस को रिवर्स करने के लिए आपको ओवर एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बेसिक सी एक्सरसाइज कर लो जिम जाके 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और वो बेसिक क्या एक्सरसाइजेस होंगी? जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, मसल ट्रेनिंग होगी, जैसे कि पुशअप, पुल अप एंड स्क्वाट्स। तो अगर आप जाके जिम कार्डियो कर रहे हो, अपने आप को ख्वार कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि फोकस ऑन योर मसल, हाउ टू बिल्ड मसल, और मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें। नंबर 4 टिप क्या है? टू ईट मोर सॉल्ट। अक्सर लोगों को सुना होगा आपने ये कहते हुए कि सॉल्ट से पानी स्टोर हो जाता है बॉडी में, वाटर
वेट स्टोर हो जाता है और सॉल्ट ज्यादा नहीं अच्छी. लेकिन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम PCOS देन यू हैव टू ऐड मोर सॉल्ट इनटू योर रूटीन. मुझे पता है आप लोग में से किसी ने भी ये टिप एक्सपेक्ट नहीं की होगी, लेकिन जो रिलेशनशिप है सॉल्ट का, इंसुलिन रेजिस्टेंस का और PCOS का, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. सॉल्ट बना हुआ है सोडियम एंड क्लोराइड से, जो कि एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन सॉल्ट इज लिंक्ड टू नेगेटिव हेल्थ आउटकम्स सच एज हाई ब्लड प्रेशर. एक बुक में मेंशनड है द डॉक्टर सॉल्ट समथिंग लाइक दैट. उस बुक में मेंशन है कि अगर आप सॉल्ट को प्रॉपरली इनटेक नहीं करोगे तो आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड पे चली जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस. अगर हम ज्यादा सॉल्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी को कोई मुश्किल नहीं होती उसको रिलीज करने में, लेकिन अगर हम कम सॉल्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा फंक्शन करती है टू रिसाइकल द सॉल्ट विच इज ऑलरेडी इन आवर सिस्टम टू मीट आवर नीड्स. नंबर फिफ्थ टिप जो है वो बहुत जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल भी है, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन इट्स स्टॉप स्नैकिंग. देर इज अ मिसकंसेप्शन कि अगर आप थ्रू आउट द डे थोड़े थोड़े मील्स खाओ, छोटे छोटे मील्स खाओ, तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा, लेकिन नॉट रियली फॉर PCOS. इस स्ट्रेटेजी से आप अपनी बॉडी को और ज्यादा हार्म की तरफ लेके जाओगे गुड करने के बजाय. तो इसलिए बेहतर होगा PCOS के सिम्टम्स को रिवर्स करने के लिए कि आप साथ साथ इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी शुरू कर दें. इंटरमीडिएंट फास्टिंग क्या है आप गूगल पर सर्च कर लें, इस पर डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी अगर आप सबको चाहिए होगी. लेकिन PCOS के सिम्टम्स को रिवर्स करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप लेस खाओ. अब लेस कैसे खाओ, आप ऐसे करो इंटरमीडिएंट फास्टिंग शुरू कर लो, क्योंकि इंटरमीडिएंट फास्टिंग से आपके PCOS के सिम्टम्स बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं. मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि PCOS इज लिंक्ड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, और PCOS के सिम्टम्स को रिवर्स करने के लिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को अपनी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को लो करना होगा. और वो कैसे होंगे, जब आप स्नैकिंग नहीं करोगे और इंटरमीडिएंट फास्टिंग करोगे. अगर हम शॉर्ट इंटरवल्स पे खाना खाना शुरू कर लें तो इंसुलिन लेवल्स हमारे एकदम से अप जाएंगे, राइज करेंगे. वी डोंट नीड दैट. हम सब अपनी लाइफस्टाइल से ही अपने आप को बीमार कर देते हैं. बहुत सब लोगों के लिए नॉर्मल है कॉन्स्टेंटली ईट करना, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कॉन्स्टेंटली ईटिंग से योर बॉडी कैन बी इंसुलिन रेजिस्टेंट. सो दिस इज माई जर्नी हाउ आई रिवर्स्ड माई PCOS एंड लॉस्ट 45 kgs over a time period of 4 years. So this is my journey of losing 45 kgs despite of having PCOS and thyroid. किसी भी बीमारी में इतने मुब्तला ना हो जाएं कि वो आपके लिए मर्ज बन जाए और आप उसकी वजह से कुछ कर ना सके. Because of my mother's support and my willpower, I was able to lose this much weight. So why can't you? कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो PCOS से रिलेटेड, तो मैं इधर ही हूँ. आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें. अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपको भी PCOS है और आप स्ट्रगल कर रहे हो वेट लूज करने में, या कोई ऐसी चीज जो आपने ट्राई की और आपको PCOS रिवर्स करने में हेल्प की हो. कमेंट करके जरूर आप सबने बताना है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मेरी YouTube वीडियोस बूस्ट करती हैं, जिसकी वजह से मेरी YouTube की एंगेजमेंट ज़्यादा हो जाती है. और जब मेरी YouTube की एंगेजमेंट ज़्यादा होती है तो मुझे ज़्यादा वीडियोस बनाने में मज़ा आता है. तो ये थी मेरी PCOS जर्नी. आई नो इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब आप करना शुरू कर देते हो तो यकीन माने आप बहुत लाइट फील करते हो. जब आपका वेट कम हो रहा होता है, जब आपके हार्मोन्स रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं, आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है. तो फिर मिलते हैं वेरी सून इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़.